Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, so hi, my name is Tisha and you are guys watching Tisha the Good Girls YouTube channel. So let's get started. Okay guys, so आज की वीडियो में क्या होने वाला है? तो गाइज मैं गई थी ब्यूटी शॉप में फाउंडेशन लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि फाउंडेशन से भी अच्छा एक प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है सीसी क्रीम। तो मैंने ये बाय कर लिया। तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि फाउंडेशन बेटर है या सीसी क्रीम बेटर है। तो आज हम देखेंगे कि सीसी क्रीम बेटर है या फाउंडेशन बेटर है। दोनों को मैं ट्राई करके दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरे हाफ फेस पे फाउंडेशन यूज़ करूँगी, हाफ फेस पे सीसी क्रीम यूज़ करूँगी। तो हम देखेंगे कि कौन सा अच्छा लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि सीसी क्रीम में आपको बेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, प्राइमर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये लगाना है, दैट्स इट। लेकिन फाउंडेशन में आपको मॉइस्चराइजर, प्राइमर, सनस्क्रीन, टोनर सब लगाना पड़ता है। जो राइट साइड का है ना, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन एंड लेफ्ट साइड पे मैं यूज़ करूँगी सीसी क्रीम। तो पहले हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं। तो फाउंडेशन मेरे पास है हुदा ब्यूटी का एंड लैक्मी की 9 to 5 सीसी क्रीम मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाले फेस पे। ओके गाइस, तो अगर आपको हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन बाय करना है या तो लैक्मी की 9 to 5 सीसी क्रीम बाय करनी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। आप मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखी है जहाँ पे आपको अगर ये वाली लैक्मी की सीसी क्रीम बाय करनी है तो आप वो भी बाय कर सकते हो एंड आप हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन भी बाय कर सकते हो। तो मैं ये वाले पार्ट पे बेस करूँगी एंड ये वाले पार्ट पे नहीं करूँगी। ओके, ओके गाइस, तो फाउंडेशन वाली साइड परफेक्टली रेडी हो चुके हैं एंड यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया, डायरेक्ट मैं सीसी क्रीम लगाऊंगी। तो पहले फाउंडेशन ट्राई करते हैं और फिर सीसी क्रीम ट्राई करेंगे। तो गाइस, मैंने फाउंडेशन लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे सीसी क्रीम भी ऐसे ही लगा लूँगी, फिर साथ में ब्लेंड करके देखते हैं कि कौन सा अच्छा दिखता है। हाँ, सीसी क्रीम और फाउंडेशन मैंने दोनों अप्लाई कर दिया है। ओके गाइस, तो अभी से करेंगे ब्लेंड। तो पहले फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं। ये रहा वेट ब्यूटी ब्लेंडर। सो गाइस, फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका है परफेक्टली। बहुत चमकीला लग रहा है ये साइड वाला पार्ट। तो अभी ये चेक करते हैं कि ये कैसा लगता है। ओके गाइस, तो मैंने सीसी क्रीम भी ब्लेंड कर दी है, बट एज यू ऑल कैन सी द ग्लो। ये देखो, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या फ़र्क है। ये देखो, फाउंडेशन वाला पार्ट जो है ना वो चमक रहा है, लेकिन जो सीसी क्रीम वाला पार्ट है ना वो चमक नहीं रहा, वो बहुत अच्छे से स्मूथ लग रहा है।
ऐसा लग रहा है मैंने कुछ नहीं लगाया, मेरा नेचुरल स्किन है ऐसा लग रहा है मेरे को। यहाँ पे लूज पाउडर की ज़रूरत है, यहाँ पे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ये स्मूथी है ऑलरेडी, चमकीला पार्ट स्मूथ पार्ट। मुझे जो नाम से चूज़ करना हो, सो आई चूज सीसी क्रीम बिकॉज आई लव इट। लगाने में भी ये आपने नोटिस किया कि फाउंडेशन को ब्लेंड करने में सारा टाइम लगा, बट सीसी क्रीम बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी ब्लेंड हो गई। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप भी एक बार सीसी क्रीम ट्राई करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीसी क्रीम की लिंक है, आप जाओ वहाँ से आप बाय कर सकते हो। एंड मैंने फाउंडेशन की भी लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से भी फाउंडेशन भी बाय कर सकते हो। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली अपडेट्स। लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, कमेंट मे विच वीडियो डू यू वांट नेक्स्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि उनको भी पता चले कि दोनों में से बेटर कौन सा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू गिव मी थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।